महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चाकू से 40 बार किया वार, फिर भी नहीं भरा दिल तो पत्थर से कुचलकर 16 साल की लड़की को जान से मार डाला। दिल दहला देने वाला ये मर्डर दिल्ली का है, जहां नाबालिग लड़की के मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के शख्स ने 16 वर्षीय साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि कहा सुनी होने पर लड़की को गली में रोकता है और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। इस हमले के दौरान यहां से लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे, मगर किसी ने भी बचाने की कोशिश तक नहीं की। हमले की सूचना पर फौरन घटनास्थल पर पुलिस की टीम भी पहुंची और मामले की जानकारी ली तो पता चला कि नाबालिग लड़की गली से गुजर रही थी और अचानक एक लड़के ने उसे रोका और चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार किए। इससे भी मन नहीं भरा तो उस आरोपी ने पत्थर से हमला बोल दिया। पुलिस पड़ताल में मृतका की पहचान 16 साल की साक्षी और आरोपी की पहचान साहिल पुत्र सरफराज के रूप में हुई है। नाबालिग लड़की E36 JJ कॉलोनी की रहने वाले जनक राज की बेटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे, लेकिन रविवार को उनका झगड़ा हो गया था और साहिल ने इस भयानक घटना को अंजाम दिया है। हालांकि लड़की को चाकू से गोदकर हत्या करने वाला आरोपी साहिल 20 वर्षीय को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसे सोमवार दोपहर 3 बजे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। सर हमें यही था, पता चला कि काफी भीड़ लगी हुई थी, हम लोग आए उधर से तो कह रहे थे यहाँ किसी को मार के फेंक दिया है कुछ लड़कों ने और वो भाग गए। तो उसके बाद हम लोग भी आए, काफी देर तक भीड़ थी, काफी देर तक लड़की पड़ी थी, करीब आधे पौने घंटे वो लड़की यहीं पड़ी थी। पुलिस रिस्क आने के बाद जब फॉरेंसिक आई तो उसके बाद वो जिस समय जब लड़की को पीटा जा रहा था, काफी मारे जा रहे थे, तब तो ऐसे पब्लिक गुजरी थी, क्या किसी ने बताने की कोशिश की? सर उस टाइम का मुझे पता नहीं है कि किसने देखा किसने नहीं देखा। अभी तक ये सब जिससे ही पूछ रहे कह रहे हमने नहीं देखा है। तो है नहीं, 8 बजे या 8:30 बजे का टाइम था, कोई तो आता जाता देखा ही होगा, लेकिन पूछने पे कोई नहीं बता रहा है कि किसने देखा किसने नहीं देखा है।